गाइस अगर आप भी 2025 में यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो मत कीजिए, अगर आपके पास तीन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो। डेली के गाइस 50 से 60 हज़ार चैनल क्रिएट होते हैं, जिनमें से सिर्फ 7% ही मोनेटाइज होते हैं, बाकी के 3% या तो फेल हो जाते हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं। गाइस अगर आप भी चाहते हैं हम 93% में नहीं बल्कि हम 7% में आए, तो उसके लिए गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एल्गोरिदम, गाइस आपको पता है यूट्यूब एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफार्म है जिसपे गाइस हमारे और आपके जैसे लोग वीडियो डालते हैं, जिसके बाद यूट्यूब क्या करता है उन वीडियो पे ऐड चलाता है। जितनी भी रिवेन्यू बनती है उनमें से 55% हमें मिलता है। गाइस अगर मैं एल्गोरिदम को सिंपली भाषा में समझाऊँ तो गाइस आप जो भी वीडियो डालते हैं एल्गोरिदम क्या करता है आपकी वीडियो को सर्च में भेज देता है। सर्च की भाषा में एल्गोरिदम को पाएं तो इंप्रेशन, गाइस जितना इंप्रेशन होगा ना उतनी जल्दी उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे, उतने जल्दी आपका चैनल ग्रो होगा। और गाइस ये एल्गोरिदम मेजर करता है CTR को। CTR होता है गाइस क्लिक थ्रू रेट। गाइस आपने जो भी वीडियो बनाई एल्गोरिदम ने क्या किया कि 1000 लोगों के पास इंप्रेशन भेजा। अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो क्या किया लोगों ने, 100 लोगों ने सर्च का आपकी वीडियो पे क्लिक किया तो आपका CTR हो जाएगा 10%। गाइस अगर हम एक अच्छा CTR माने तो 9% से प्लस एक अच्छा CTR होता है, मिनिमम गाइस 4% से नीचे आपका जो CTR होता है तो भी आपके व्यूज आएंगे। गाइस CTR मेजर करता है ऑडियंस रिटेंशन। गाइस ऑडियंस रिटेंशन होता क्या है, गाइस मान लो कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो को 1000 लोगों के पास इंप्रेशन भेजा, जिनमें से गाइस आपके 100 लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया। गाइस वो कितनी देर तक देख रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं या फिर बीच में छोड़ के जा रहे हैं या फिर 2-3 सेकंड चला के छोड़ दे रहे हैं। गाइस ये होता है ऑडियंस रिटेंशन। गाइस अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हुआ ना, मान लो कि आपका यूट्यूब ने जो भी आपको वीडियो चलाया है, जो भी जिन लोगों ने आपका वीडियो देखा है, अगर किसी ने फुल वॉच कर लिया, हाफ वॉच कर लिया, तो ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हुआ ना तो आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो कर सकता है आपकी वीडियो। कुछ साल पहले ये क्रिएटर कैसे भी कहीं भी कभी वीडियो बना के डाल देते थे और इनकी वीडियो लाखों में चली जाती थी, लेकिन गाइस अब सब कुछ बदल चुका है, शॉर्ट का जमाना आ चुका है, ऑडियंस भी अपग्रेड हो चुकी है और एडिटिंग स्टाइल भी बदल गया है, लेकिन ये अपने एडिटिंग स्टाइल को नहीं बदल पाए, इसके कारण गाइस इनके बहुत ही डाउन व्यूज आ चुके हैं। गाइस अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो इन चैनल मतलब डिकोडिंग YT इतने छोटे चैनल गाइस फिर भी इनके लाखों में व्यूज आते हैं, क्योंकि इनकी एडिटिंग के दम पे। गाइस अगर आप भी बेटर करोगे एडिटिंग तो इन्होंने अच्छी खासी ऑडियंस जमा कर ली है। आप भी कुछ प्रकार से एडिटिंग करके अपनी एडिटिंग को स्किल बेटर करके आप भी बहुत जल्द अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। SEO गाइस, SEO दो तरीके के होते हैं, एक तो चैनल SEO और एक वीडियो SEO। गाइस चैनल SEO बहुत ही लंबा प्रोसेस है गाइस, मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। आज हम बात करते हैं वीडियो SEO के। गाइस आपने देखा होगा आप वीडियो डालते हो लेकिन आपकी वीडियो पे एक दो व्यूज आते हैं। गाइस आपने सोचा होगा क्यों आते हैं, क्योंकि गाइस यूट्यूब आपकी वीडियो का इंप्रेशन ही नहीं भेज रहा है किसी और को, तो इसलिए गाइस आपके एक दो या फिर 5-6 व्यूज आते हैं। गाइस जब तक यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेजेगा तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा और आपके चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे। व्यू करने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले गाइस थंबनेल। गाइस आपको बेटर थंबनेल बनाना होगा। गाइस मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, थंबनेल बहुत ही कुछ लिख देते हैं गाइस, इतना कुछ लिख देते हैं कि उसे समझ में नहीं आता ऑडियंस को कि उसके अंदर हमें क्या नॉलेज मिलेगी, इसलिए गाइस वो ऐसे ही स्किप कर देते हैं। गाइस आप थंबनेल शॉर्ट रखो, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है जैसे गाइस ऑडियंस आपका अट्रैक्ट हो। गाइस आपको टाइटल में क्या लिखना है, आपको वो पुराना नहीं लिखना है, हाउ टू मेक थंबनेल वगैरह ऐसा नहीं गाइस, आपको कुछ नया लिखना है जैसे गाइस हाउ टू मेक प्रो लेवल थंबनेल, हाउ टू मेक एडवांस थंबनेल, ऐसा कुछ लिखना है गाइस, तभी आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, क्योंकि गाइस पुराना सभी जानते हैं हाउ टू मेक एडिट वीडियो। गाइस इसकी कोई क्लिक नहीं करेगा, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बन चुकी है इस पे, आपको क्या करना है कुछ नया लिखना है, तभी लोग आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप टाइटल लिखते हो उसको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डालना है। गाइस आपको क्या करना है, ChatGPT के पास चले जाना है और अपना टाइटल कॉपी करके और पेस्ट कर देना है, और गाइस वो अपने आप आपको डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, जिसको गाइस आपको क्या करना है कॉपी करके अपनी सिंपली से वीडियो में लगा लेना है। बात करते हैं कीवर्ड कहाँ से ले, आपको क्या करना है गाइस, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो डाल रहे हो उसको क्या करना है सर्च कर लेना है। जैसे ही आप YouTube पे सर्च करोगे जो भी फर्स्ट वीडियो आएगी जो रैंक कर रही होगी उसको उठाना और उसके कीवर्ड आपको क्या करना है सिंपली से अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देने हैं, तो गाइस आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो हो जाएगा। होप गाइस आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको इन तीन चीज़ों की नॉलेज हो गई ना तो आप अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो करा पाओगे, जैसे डिकोडिंग YT और एल्गो की तरह। चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही।